जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अभी तक सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में अभी और लोगों की तलाश जारी है। सूत्रों के अनुसार दोस्तों, बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि उस रात वारदात के वक्त रिकॉर्ड गए वीडियो में सुशील कुमार के साथ 12-15 लोग और 3 गाड़ियाँ देखी जा सकती हैं, यानी करीब करीब 20 लोगों के होने की आशंका जताई गई। इनमें से एक शख्स हाथ में रिवॉल्वर भी थी उसकी पहचान प्रिंस के रूप में की गई। पुलिस ने प्रिंस को मौका वारदात से ही गिरफ्तार कर लिया था और गाड़ियों से भी कई रिवॉल्वर बरामद हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो 12वें नंबर का शख्स गिरफ्तार हुआ था इस केस में, उसका नाम गौरव बताया गया था और उसकी उम्र सिर्फ 22 साल बताई गई थी। दोस्तों वह जूनियर पहलवान है, बापरोला गांव का रहने वाला है। पुलिस इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब हैरानी वाली बात दोस्तों यह है कि 22 साल की उम्र में इतना जज्बा, इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे आती है कि किसी शख्स पर, अपने से ही एक साल बड़े शख्स पर ऐसा बुरा जानलेवा हमला करते हैं ये कल के आए जूनियर पहलवान। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला मामला यही है दोस्तों कि जो गौरव नाम का शख्स बताया गया है वो सुशील कुमार के साथ ही था, उस समय वीडियो में कैद भी हुआ था, ऐसी हैरानी जताई गई है। तो ऐसे में गौरव पर पुलिस ने शिकंजा कस रखा है। पहले पुलिस रिमांड में लिया गया, पूछताछ के बाद सूत्रों के मुताबिक इन सभी को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा ताकि जब तक इस केस की सुनवाई नहीं होती तब तक ये सब जेल की सलाखों के पीछे रहें और जो भी फैसला कोर्ट कराएगा उसको लेकर ही सारी बातें क्लियर होंगी। लेकिन 22 साल का शख्स ही था दोस्तों ये गौरव, सिर्फ इतनी कम उम्र में अब इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है एक मर्डर केस जैसे मामले में। तो हैरानी वाली बात यह है कि क्या अपना ये सारा जितना भी आरोप है वो सुशील कुमार के सर मर देगा कि मैंने सुशील कुमार के कहने पर किया था। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट में दोस्तों सुशील कुमार के खिलाफ कई सारे गवाह और तैयार हो सकते हैं। लेकिन इसमें हैरानी वाली बात यह है कि कोई भी कभी भी मुकर सकता है कोर्ट के अंदर गवाही के दौरान। देखना दिलचस्प होगा दोस्तों क्या होता है इस केस की कोर्ट की सुनवाई के दौरान। सारी जानकारी सूत्रों के मुताबिक थी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।